देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। भारत में कोरोना की संख्या 11,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं अब तक 377 लोगों की मौत इस वायरस के चलते हो गई। पीड़ितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के भीतर 1076 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 11,339 पर पहुंच गए। इनमें से 1,306 लोग ठीक होकर लौट भी गए हैं, जबकि 9,756 लोगों का फिलहाल इलाज जारी है। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 38 लोगों की जान पूरे भारत भर से इस कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जा चुकी है। लगातार पूरे देश भर में कोरोना का यहां पर कहर देखने को मिल रहा है। 11,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है संख्या। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने ये साफ कर दिया कि जितनी भी अटकलें लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए लगाई जा रही थी, उन्हें औपचारिक तौर पर यहां पर कह दिया गया कि आगामी 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा और अधिक सख्ती के साथ में इस लॉकडाउन को जारी किया जाएगा। क्योंकि भारत का जो अभी फिलहाल आंकड़ा है वो अन्य देशों की तुलना में लॉकडाउन के, क्योंकि लॉकडाउन को यहां पर पहले ही लगा दिया गया था चीजों के सीरियस होने से पहले, तो काफी ज्यादा संभला हुआ है अभी तक। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण मेरे साथ में दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रीत, लॉकडाउन 2 का आज पहला दिन, कल प्रधानमंत्री ने यहां पर 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया। ज्यादा सख्ती के साथ में लॉकडाउन की यहां पर पालना करने के साथ साथ सरकार की एडवाइजरी भी आज जारी कर दी गई, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल जयती, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि पहले दिन एमएचए की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी, नए दिशा निर्देश जो जारी किए गए उनकी ओर से ये कहा गया है कि अगला एक सप्ताह बेहद सख्तीपूर्ण रहेगा और सभी जो नियम कायदे हैं जो केंद्र सरकार की ओर से बताए गए हैं उनको सख्ती से फॉलो करना होगा। मास्क लगाकर अब सड़कों पर निकलना जरूरी होगा। अगर हम किसी जरूरी सामान की खरीदारी के लिए या जरूरी काम से भी अगर घर से बाहर निकलते हैं ऐसी कंडीशन में, इसके साथ ही ये भी कहा गया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो नए दिशा निर्देश आए हैं कि कुछ शर्तों के साथ में 20 अप्रैल के बाद कुछ जो लोग हैं जैसे कि किसान हैं या अन्य जो कामकाज जो लोग कर रहे हैं, जो रोजमर्रा के काम पर जिनकी जिनका जीवन डिपेंड करता है, उनके लिए कुछ छूट जरूर दी जाएगी, लेकिन वो भी कुछ शर्तों के साथ में, जहां पर ये हॉटस्पॉट ना हो ये उन्हीं इलाकों में किया जाएगा। हॉटस्पॉट जहां पर बनाए गए, कंटेनमेंट जो बनाए गए हैं वहां पर ये जो छूट है वो नहीं दी जाएगी। जी प्रीत, कल 10 बजे तो प्रधानमंत्री जी ने यहां पर लोगों को संबोधित किया, लेकिन दोपहर के बाद में जो देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट माना जा रहा है महाराष्ट्र, वहां से काफी ज्यादा विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई। आप जानती होगी जिस बारे में मैं बात कर रही हूं, काफी ज्यादा लोग इकट्ठे होकर पहुंच गए और सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार अब किस प्रकार से अन्य सख्त कदम उठाने वाली है? लेकिन केंद्र सरकार की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इस बात का अंदेशा हो जाना चाहिए था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां जमा होंगे। लोगों के अंदर ये था कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, अब रेलवे स्टार्ट हो जाएंगी और गाड़ियों से अपने अपने गांव की ओर रुख करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में आज केंद्र सरकार की ओर से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी इस कैबिनेट की मीटिंग का नेतृत्व करेंगे और अब ये देखना होगा कि जो नए दिशा निर्देश आते हैं एमएचए की ओर से उनमें क्या कुछ ऐड किया जाएगा, क्या नई राहतें दी जाएगी। जिस तरीके से पिछले दिनों ये सुनने में आया कि जो रोजमर्रा के काम है जैसे कि दूध बेचने का काम या सब्जी बेचने का काम, या जो किसान है जो अपने खेत से मंडी तक अनाज पहुंचा सके और मंडी से जो बाजारों में जो फसल आएगी या जो अनाज आएगा उसके लिए क्या नई गाइडलाइन से किस तरीके से नई राहत देते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ऐलान भी किया कि किसानों के अकाउंट में जनधन योजना के तहत कुछ पैसे आ रहे हैं, राज्य सरकारें किस तरीके से नए स्टेप्स उठा रही हैं, किस तरीके से जो ऑटो चालक हैं जो घर बैठे हुए हैं, जो रिक्शा चालक है घर बैठे हुए, उनको कितनी और राहत दी जा सकती है, ये नए जो आज के कैबिनेट की मीटिंग होगी शाम 7 बजे उसके बाद इस चीज का निर्णय होगा कि केंद्र सरकार और क्या नए स्टेप्स उठा रही है। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद प्रीत।
आपको देश भर से हम ताजा अपडेट दे रहे हैं। 11,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 38 लोगों ने अपनी जान देश भर में गंवा दी है। लॉकडाउन 2 का आज पहला दिन है। एवन न्यूज में